हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। तो गाइस, आज है हम लोगों का एग्ज़ाम का सेकेंड डे। तो हम क्लास पहुंच चुके हैं और अभी एग्ज़ाम होने में आधा घंटा बाकी है। तो अभी हम लोग अभी अपने क्लास में हैं, थोड़ी देर बाद हम लोग जाएंगे जहां पर एग्ज़ाम होने का है, मतलब उस क्लास में जाएंगे। अभी हम लोग यहाँ पर थोड़ी देर रुकेंगे, थोड़ा सा देखेंगे, मतलब पढ़ाई जो किए हैं उसको थोड़ा सा रिविज़न कर लेंगे, उसके बाद जाएँगे एग्ज़ाम हॉल। तो ब्लॉग पर बने रहो, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक भी करना, और हाँ कमेंट जरूर करना गाइस। तो चलिए मिलते हैं थोड़ी देर बाद। तो गाइस, हमारा टाइम हो गया है, अब हम लोग चल रहे हैं ऊपर, वहीं पर एग्ज़ाम होगा, तो चलो चलते हैं। और आज शिवानी का गाइस तबीयत ख़राब है, बुखार है, लेकिन बेचारी एग्ज़ाम देने आई है क्योंकि उसके अलावा कोई ऑप्शन भी नहीं है, एग्ज़ाम तो देना ही पड़ेगा। और यहाँ देखो ग्राउंड में सब खेल रहे हैं, आज भी अच्छा नज़ारा है, गर्मी भी बहुत है आज। तो राजवीर पूरा तैयारी करके आया है गाइस, इसलिए इतना स्माइल मार रहा है। तो हम लोग पहुँच गए हैं अपने एग्ज़ाम हॉल, और यहाँ अभी भी बहुत कोई पढ़ रहे हैं गाइस, पढ़ मतलब सब पढ़ रहा है। और हम आ गए अपने प्लेस में, बहुत गर्मी है आज। मैं दिखाती हूँ सब कितने शिद्दत से पढ़ रहे हैं। ये देखो गाइस, सब पढ़ रहे हैं, सब पढ़ रहे हैं, और मैं ब्लॉगिंग कर रही हूँ गाइस। मेरे जैसे बेशरम स्टूडेंट होने चाहिए धरती में, सब अगर अच्छे हो जाएंगे तो चलेगा क्या ना। और ये है मेरी, मतलब मेरे बेंच, मेरे प्लेस से आगे बैठती है और बोलती है हम कुछ नहीं पढ़े हैं, मतलब हमेशा की तरह आप लोग समझ लो। और लिखती पूरा है गाइस, खैर पढ़ना भी चाहिए लिखना भी चाहिए, सब अगर हम लोग जैसे आवारा हो जाएंगे तो क्या ही होगा। और यहाँ बाबू से बात कर रही है गाइस, थोड़ी देर में हम लोग अपना बोरिया बिस्तर सब बाहर रख देंगे और एग्ज़ाम लिखेंगे। अभी शायद 5 से 10 मिनट बाकी है, अभी टीचर्स नहीं आए हैं, टीचर्स जैसे आएंगे बैग उग सब बाहर में रख देंगे। और आज मैं अपना वाटर बॉटल लाने भूल गई गाइस, एग्ज़ाम हॉल में कम से कम पानी पी पी के टाइम वेस्ट करती थी, लेकिन अब तो आज वाटर बॉटल भी नहीं लाए, मतलब कैसे टाइम पास होगा पता नहीं। खैर तो चलिए मिलते हैं आप लोगों से थोड़ी देर बाद, मतलब थोड़ी देर नहीं, 3 घंटे बाद, एग्ज़ाम के बाद मिलते हैं आप लोगों से। अभी के लिए बाय। तो गाइस, हमारा एग्ज़ाम हो गया और अब हम लोग आ गए हैं बाहर, अब सीधा घर ही जाएंगे क्योंकि शिवानी का तबीयत बहुत ज़्यादा ही ख़राब लग रहा है गाइस। आज एग्ज़ाम एक नंबर गया, क्वेश्चन क्या ही अच्छा अच्छा था, मतलब इसका एग्ज़ाम तो डेली ही अच्छा जाता था गाइस क्योंकि ये तो टॉपर है, लेकिन आज मेरा एग्ज़ाम बहुत 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 अच्छा गया। और अभी मेरी दोस्त लोग वहाँ पर बैठी है, चलिए मिलेंगे वो लोग से, उसके बाद घर जाएंगे। और धूप हमेशा की तरह आज भी बहुत ज़्यादा धूप है, मेरी आँखें बंद हो जा रही है गाइस। आप लोग देख सकते हैं कैसे यहाँ तैयारी हो रहा है, यही है भविष्य लोगों का, देख सकते हैं लड़की लोग कितना तेज तरह रही है, पढ़ाई करने के बजाय गाइस ये लोग चीटिंग फाड़ रही है, लीक नहीं कर रहे हैं। लेकिन बीथी तुम ऐसा काम नहीं करती है ना, तुम्हारे पर पूरा भरोसा है। फिलहाल ये यही लड़की जो फेस नहीं दिखा रही थी, लेकिन ये कर रही है चीटिंग, देख रहे हैं गाइस। और फाड़ी है क्या, देखो गाइस टेक्निक देखो, देखो सावन की तैयारी हो गई, वो है हमारे महादेव बाबा वासुकीनाथ का फोटो लगाया गया है हमारे कॉलेज के सामने। और भी तैयारी हुई है, मैं आप लोगों को बैक कैमरा से दिखाती हूँ। ये गेट इधर पीछे से ख़राब दिख रहा है, आगे से अच्छा दिखेगा दिखाऊंगी। जो जो इधर से क्रॉस होते होंगे भागलपुर मतलब देवघर रोड से, वो लोग तो देख ही लिए होंगे। ये रहा वैसे, हालांकि जितने भी मतलब कि देवघर वासुकीनाथ और दुमका, सिर्फ महारों में ही ये सब नहीं हुआ है, पूरा एरिया में हुआ है, आप लोग तो देखे ही होंगे। मैंने सोचा महारों वाला ही मैं दिखा देती हूँ कि
इतने सारे ट्रक लगे रहते ना रास्ते में, बहुत बहुत दिक्कत होता है हम लोग। तो अभी मैं और मम्मी जा रहे हैं मार्केट गाइस, तो चलिए चलते हैं। मम्मी आगे आगे जा रही है गाइस, मैं मम्मी के पीछे। अभी हम लोग टोटो का वेट कर रहे हैं, टोटो आएगा फिर हम लोग जाएंगे। तो गाइस जैसा कि आप लोगों को पता है कि सावन चल रहा है, सावन का महीना, तो मम्मी और हम लोग शाम में इसी वजह से मार्केट आए कि थोड़ी हरी चूड़ियाँ ले लें। बहुत सारा देखने के बाद हम ये फाइनल किए, मुझे बहुत अच्छा लगा तो हम ये चूड़ी पैक करवा लेते हैं और वहाँ से चले आते हैं। फिर मम्मी और मैं चले आते हैं मॉल, थोड़ा सा मॉल वॉल घूम कर हम लोग इधर सामान वगैरह देखते हैं और फिर इधर किचन का सामान मम्मी देखने लग जाती है। मम्मी को बहुत कुछ पसंद आता है छोटा छोटा सामान में से, तो हम लोग जो ज़रूरत का सामान होता है वो ले लेते हैं और फिर हम लोग वहाँ से निकल जाते हैं चाट खाने के लिए, क्योंकि चाट तो बहुत ज़रूरी है। मार्केट जाओ और चाट ना खाओ ऐसा हो ही नहीं सकता है, तो हम लोग यहाँ चाट खाते हैं।